Assalamualaikum, welcome और welcome back to my channel हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे चटकारा क्रिस्पी स्पाइसी कोफ्तों की रेसिपी। तो इसके लिए मैं मटन को पीस के ले ली मिक्सी में। इसमें हम दो बड़े साइज़ के मीडियम प्याज चॉप करके ले लेंगे। हरी मिर्च ले लेंगे हम चॉप की हुई 2 स्पून। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे हम 2 स्पून। लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मटन 600 ग्राम है ये। हल्दी ले लेंगे 1/2 स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे हम 1.5 स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ मैं। नमक ले लेंगे हम 1.5 स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे 1 स्पून। जीरा पाउडर ले लेंगे 1 स्पून। धनिया पाउडर ले लेंगे 2 स्पून। क्रश की हुई लाल मिर्च ले लिए, सूखी लाल मिर्च है ये ड्राई। कोथमीर और पुदीना ले लेंगे 1 मुट्ठी जितना। एक बड़े साइज़ का नींबू का रस ले ली मैं। कॉर्नफ्लोर ले लेंगे हम 3 स्पून। कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं इसमें। कॉर्नफ्लोर डालने से क्रिस्पी बहुत अच्छे बनते कोफ्ते। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त में पूरे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरह से। देखिए अच्छे से मैश करना, पूरा फ्लेवर गोश्त में आ जाता मसालों का। अच्छा मिक्स हो गया ये। अब हम कोफ्तों का शेप बना लेंगे। साइज़ अपन आप अपने हिसाब से रख लीजिए। जितना साइज़ का आपको होना है वो साइज़ का बना लीजिए आप। मैं इतना ही साइज़ का बना रही हूँ। हम गोल नहीं रखेंगे कोफ्तों को, इस तरह से गोल बनाकर चपटे शेप में हम कोफ्ता बना लेंगे। ये देखिए ज़्यादा चपटा भी नहीं करी मैं। इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे हम पूरे कोफ्तों को। आप अपने मर्जी के शेप का बना सकते। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी चपटा नहीं बना रही हूँ मैं। बस अच्छे से कुक हो जाता है इस तरह से बनाने से। इसी तरह से हम पूरे कोफ्तों को रेडी करके ले लेंगे। ये देखिए पूरे कोफ्ते मैं रेडी करके रख दी। ना ज़्यादा पतले है और ना ज़्यादा मोटे है ये कोफ्ते, बराबर शेप के हैं। अब हम पैन गरम हो गया, कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम इसमें डीप फ्राई के लिए। ऑयल डालने के बाद में मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी कोफ्ते डालते वक्त तेल में। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। दूसरे बैच में मैं ऑन करी वीडियो ऑन करके उसका ली मैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम डाल रही थी मैं उसका वीडियो ऑन करना भूल गई थी। टर्न कर लेंगे हम, डालते ही मत हिलाइए आप कोफ्तों को, नहीं तो फूट जाते कोफ्ते। डाल के कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ दीजिए आप, उसके बाद एक एक कोफ्तों को पलटाइए आप। फिर से अलट पलट कर लेंगे हम कोफ्तों को।
ये देखिए रेडी हो गए कोफ्ते, अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। परफेक्ट तले गई है। अब मैं दूसरा बैच डाल के बता रही हूँ आपको। सॉरी, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, जो फर्स्ट टाइम पे मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी कैमरा, इसके लिए सॉरी। कुछ सेकेंड्स के कोफ्ते डालने के कुछ सेकेंड्स के बाद में हम टर्न करना कोफ्तों को, नहीं तो टूट जाते कोफ्ते। और हल्का लाइट इसको थोड़ा स्टिक भी होते ये, लेकिन निकल जाते अच्छे से। इतने मज़े के क्रिस्पी बनते हैं कोफ्ते, स्पाइसी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिए इस तरह से यूनिक रेसिपी। कोफ्ते तो बहुत बार बने होंगे आप, इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आते। इसी तरह से हम पूरा एक साइड, एक फर्स्ट टाइम हम जब डाले थे पे टर्न हो गया, इसी तरह से अलट पलट करते हुए तल लेंगे। रेडी हो गया, हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट तले गई है। चलिए हम डिश आउट कर लेंगे हम। ये देखिए स्पाइसी क्रिस्पी चटकारा कोफ्ते बन के रेडी हो गए। तोड़ के बताती मैं आपको, ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बने, अंदर से सॉफ्ट भी है थोड़ा। ये मज़ेदार कोफ्ते बनाने के लिए आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो ये थी आज की रेसिपी। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।